वो बताएंगे फूड पेट्रोलिंग के बारे में। तो देखिए, आज हम फूड पेट्रोलिंग में आए हुए हैं। तो फूड पेट्रोलिंग टीआरडी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें हेल्पर, टेक्नीशियन, जेई, एसएससी, एज, सीनियर डी तक पेट्रोलिंग करते हैं। अब हम बताएंगे कि फूड पेट्रोलिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो फूड पेट्रोलिंग हम लोग पर्पस रहता है कि ओएचई में कोई ख़राबी है या फिर बॉन्ड से रिलेटेड कोई ख़राबी है तो उसको हम लोग देखते हैं। और फूड पेट्रोलिंग करने से एक फ़ायदा होता है कि मेरा ब्रेकडाउन का बचत होता है, ब्रेकडाउन कम होता है। तो फूड पेट्रोलिंग में हम लोग को पहले हम देखेंगे कि क्या क्या करना होता है। फूड पेट्रोलिंग स्टार्ट करने के पहले हम अपना टीपीसी को बोल देंगे कि सर यहाँ से यहाँ के बीच में आज हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दूसरा है कि फूड पेट्रोलिंग का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को हम स्टेशन से साइन करवा लेते हैं। आगे हम बता रहे हैं कि अब फूड पेट्रोलिंग में हम ओएचई में क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम कैंटिलीवर को देख लेंगे। कैंटिलीवर में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, टोटल पार्ट्स को हमको बारीकी से देखना है। उसके बाद ओएचई में मेरा जितना वायर है, वायर को हम लोग देख लेंगे कि वायर मेरा ठीक है क्या नहीं। साथ ही उसमें जी जम्पर, सी जम्पर या फिर ओवरलैप मिलते हैं, तो इन लोग को हमको अच्छा देखना है। यदि कर्व है तो इनसाइड कर्व, आउटसाइड कर्व में प्रोफाइल देखना है। यदि स्टेशन लिमिट में 80 है तो 80 को देख लेना है कि उसका बैरल गिरा है या सही है। साथ ही यदि SP SSP मिल रहा है सेक्शन में, तो वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, एब नॉर्मल कुछ तो नहीं है। वहाँ पे क्रॉस वायर रहता है या फिर फीडर वायर रहता है, जम्पर ड्रॉप क्या रहता है, ये सब चीज़ हम लोग को देखना है। आइसोलेटर जो है, आइसोलेटर को ध्यान से देखना है कि वहाँ पे लॉकिंग है या नहीं। नंबर प्लेट जो है, नंबर प्लेट रहता है, नंबर प्लेट के बारे में रिपोर्ट लिखना है कि रस्टेड तो नहीं हो गया या फिर मिसिंग तो नहीं हुआ है, उसके बारे में देख लेना है। उसके बाद यदि ब्रिज मिलता है कहीं पे, तो वहाँ पे देखना है कि ब्रिज में कैटनरी वायर के ऊपर रेनफोर्स क्या रहता है, उसको हमको देखना है। साथ ही ATD हम लोग को प्रत्येक ATD को अच्छा से चेक करना है। ATD में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, रोप जो है वह कटा हुआ रहता है, अंदर में हम लोग को पता नहीं चलता है। तो उसको जब हम मूव करते हैं, ATD को चलाते हैं काउंटरवेट को, तो वहाँ पे देखना हमको कि वायर कटा है क्या नहीं है। यदि नहीं कटा है तो बहुत अच्छा है। साथ ही पुल्ली मेरा मूव कर रहा है या नहीं, जब काउंटरवेट नीचे खींचेंगे तो पुल्ली आगे पीछे जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको हम लोग देखना है। इसके अलावा हम लोग को बॉन्ड को भी अच्छा से देखना है कि बॉन्ड अच्छा से लगा है या नहीं लगा है, उसका नट तो ढीला नहीं है। साथ ही यदि बॉन्ड रस्टेड हो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो उसको हम लोग को रिपोर्ट बना के देना है, साथ ही उसको हम लोग को चेंज करवाना है। स्टेशन लिमिट में हम लोग को देखना है कि बॉन्ड जो प्लेटफॉर्म में रहते हैं वह सही से है क्या नहीं। इसके अलावा बॉन्ड में हम लोग को यह देखना है कि जो शेड रहते हैं उस शेड में बॉन्ड से कनेक्ट किया गया है क्या नहीं किया गया है, साथ ही उसमें अर्थ पीट है या नहीं है, इसको भी हम लोग को देख लेना है। इसके अलावा हम लोग को फाउंडेशन को भी अच्छा से देख लेना है। कहीं कहीं फाउंडेशन डैमेज रहते हैं, उसमें क्या होते हैं बरसात के दिन में पानी जमते हैं, और फाउंडेशन में जो मास्ट लगा है मास्ट को भी अच्छा से हम लोग को देख लेना है। बहुत सारे मास्ट ऐसे होते हैं कि वे लीनिंग हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी हम लोग को देख लेना है। इसके अलावा हम लोग को ट्री ब्रांच के देखना है। यदि ट्री ब्रांच 4 मीटर के अंदर आ जाए ओची से या फिर ओची स्ट्रक्चर से तो हम लोग को रिपोर्ट बना के उसको रखना है। ट्री ब्रांच 4 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग को खास ध्यान रखना है। यदि कहीं ओवरब्रिज मिले तो ओवरब्रिज में हम लोग को यह देखना है कि उसमें एक प्रोटेक्टिक स्क्रीन रहता है तो वह स्क्रीन लगा है या नहीं लगा है, उसको भी हम लोग को अच्छा से देख लेना है। बहुत सारे प्रोटेक्टिक स्क्रीन जो रहते हैं वे डैमेज हो जाते हैं। रोड ओवरब्रिज रहता है तो उस रोड ओवरब्रिज में जो प्रोटेक्टिक स्क्रीन रहता है बहुत चर्च सब क्या करते हैं उसको गिरा देते हैं, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि कोई गिरा तो नहीं दिया है। वहाँ पे डेंजर बोर्ड का कॉशन बोर्ड लगता है तो उसको भी हम लोग देखना है, कॉशन बोर्ड लगा है या नहीं लगा है। पेट्रोलिंग करने के दरमियान में यदि कहीं एबनॉर्मल नज़र आए, जैसे ड्रॉपर टूटा हुआ है, RT टूटा हुआ है या फिर स्टडी आर्म बैंड है, या फिर यदि ओची में जी जम्पर सी जम्पर टूट के झूल रहा है, पेंटो हीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में पहले हम अपने डिपो इंचार्ज को, साथ ही अपने कंट्रोल TPC को हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन करेंगे और उनके अनुसार से हम अपना काम करेंगे। काम क्या करना है, यदि गाड़ी वहाँ जा सकता है, उसका पेंटो यदि पासिंग हो सकता है तो हम उसको बोल देंगे TPC को या फिर अपने इंचार्ज को बोल देंगे कि आप गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं। यदि गाड़ी चलने के दरमियान में यदि पेंटो हीट कर रहा है वहाँ पर, तो हम वहाँ पे
गाड़ी मूवमेंट को बंद करवा देंगे या फिर पेंटो लोवर का क्वेश्चन वहाँ पे दिलवा देंगे। यह वीडियो आप लोग को देखने में यदि अच्छा लगा तो कृपया आप लोग एक कमेंट जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम समझ जाएंगे कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। और इसके अलावा अंत में हम आप लोग से एक ही बात बोलेंगे कि पेट्रोलिंग के दरमियान हेडफोन का यूज ना करें, अपना ख्याल रखें और सतर्क रहे, क्योंकि पेट्रोलिंग के दरमियान हम लोग ओची को भी देखते हैं, साथ ही गाड़ी मूवमेंट भी होता है। इस तरह इस वीडियो में मैंने फूड पेट्रोलिंग के बारे में मैंने बताया। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।